हेलो दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आज हम घूमने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, आपको भी साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं समर हिल, आइए हमारे साथ, अब आपको सैर करवाते हैं यूनिवर्सिटी की। ये समर हिल का मेन चौक है, स्टार्टिंग में ही मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, सारी बसेस आपको यहीं से मिल जाएंगी और बाकी ज़रूरत का सामान और स्टेशनरी भी स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको, फिर हम एंट्री करेंगे मेन गेट से। अब हम बढ़ रहे हैं मेन गेट की ओर। इंडियन पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है, साथ में एटीएम भी है। एटीएम तो बहुत मिलेंगे हमें यूनिवर्सिटी में, स्टार्टिंग में ही मिल गया पोस्ट ऑफिस का एटीएम, अब एक और एटीएम मिलेगा, कौन सा, एसबीआई का, गेट के पास ही है ये बिल्कुल। अभी हम मेन गेट से एंट्री करते हैं ना ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम घूमकर आएंगे निचली साइड, ये जो बाकी ब्लॉक्स हैं इनके बारे में बताऊँगी मैं आपको। तो ये है बेसिकली मेन गेट यूनिवर्सिटी का, जहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ पर पुलिस वाले बैठे होते हैं ना, ये राइट साइड में कोऑपरेटिव बैंक है और इसका भी एटीएम है अंदर की साइड। बस अब हम सीधे चलते जाएंगे और वन बाय वन जो ब्लॉक्स आएंगे ना, मैं उनके बारे में आपको बताती जाऊंगी। ये देख रहे हैं आप दीवार पे आर्ट वर्क कितना अच्छा किया है। जैसे ही अब थोड़ा सा आगे चलकर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको, साइंस ब्लॉक में है ये। मैं भी आपको दिखाती हूँ जहाँ पर मैं ये सीढ़ियों पे खड़ी होंगी ना जाकर, इसके पीछे जो बिल्डिंग है पूरा ब्लॉक जो है इसमें है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। साइंस ब्लॉक से चलते आगे आगे थोड़ा चलकर हम यहाँ पहुँचते हैं ना, ये टर्न करेंगे अब यहाँ से। तो यहाँ पर साइंस ब्लॉक में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट थे, अब यहाँ पर साइंस ब्लॉक में अगला जो पार्ट है उसका बिल्डिंग का ना, उसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, इसमें योगा का भी है शायद, इसमें ऊपर योगा स्टडीज़ का भी है। और मेन जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है लाइब्रेरी अटेंशन, जहाँ पर आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। और ये लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये लाइब्रेरी नहीं है अभी तो, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर एसबीआई बैंक भी है, इसके बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पर लाइब्रेरी के अपोजिट आएगा वो, मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट रहा, साथ में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, आप पढ़ पा रहे होंगे तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग बोर्ड लगे हैं ना। अब ये देखो खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, ये है लाइब्रेरी, यहाँ से टर्न करेंगे हम। ये जो छोटे छोटे ऑफिस बने हैं अलग हैं, लेकिन जो मेन है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ से टर्न करने के बाद इस तरह से आएगा, तो ये है हमारी लाइब्रेरी टॉप। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे है ना, शिमला से भी अच्छे से दिखाई देती है, शिमला माल रोड पे आप घूमने जाएंगे जैसे कभी, वहाँ से भी आपको ये दिखाई देगा और पहचान जाओगे आप, अलग से ही है, क्योंकि मैंने तो शिमला में नहीं देखा ऐसा किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। ये थोड़ा गार्डन एरिया है लाइब्रेरी के साथ ही, और लाइब्रेरी के बिल्कुल पीछे एसबीआई बैंक है और वहाँ एटीएम भी है एसबीआई का, तो एसबीआई की दो एटीएम है कैंपस में।
बहुत भीड़ होती है यहाँ पर आजकल, जैसे आपको पता ही है कि कोविड के टाइम में बंद है सब कुछ, तो नहीं है, इतनी भीड़ होती है कि बच्चे बच्चों को सीट्स भी नहीं मिलती है बैठने के लिए। तो मतलब सोच लो आप, बहुत पढ़ाकू बच्चे निकलते हैं इस लाइब्रेरी से पढ़ने वाले बच्चे। लाइब्रेरी से वापस आते टाइम अब हम अगली तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर है एडम ब्लॉक, वीसी ऑफिस, ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी का, और अलग अलग डिपार्टमेंट भी है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कैश काउंटर है यहाँ पर, ये जो गाड़ी है ना इसके सामने कैश काउंटर है। कुछ फीस यहाँ पर अब तो ऑनलाइन हो जाती है ना मैक्सिमम, तो बाकी जो फीस कुछ जमा करनी हो तो इधर हो जाती है। फोटोस्टेट वगैरह भी यहाँ हो जाता है, छोटी छोटी दुकानें हैं, खाने पीने का भी बढ़िया मिल जाता है खाना, मतलब सस्ते उसमें प्राइस में। अभी बंद है आज, सब कुछ बंद है ना, तो मैंने सोचा आज करते हैं, आज अच्छा मौका है। ऐसे बहुत रश होता है जब यूनिवर्सिटी प्रॉपर चलती है, और कोविड के अगर बिना देखें हम इसको ना, तो यहाँ पे बहुत रश होता है खाने के लिए। ये सारी खाने वाली दुकानें हैं यहाँ पर, तो आपको बैग ये वो छोटी मोटी चीज़ें, प्रॉपर खाना भी मिलता है। अलग वीडियो बनाएंगे ना उसमें, फिर वो सारा कवर करेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में ही खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके लिए। देखो साइड में बेंच लगा दिए हैं बड़े अच्छे बैठने के लिए। यहाँ पर ना HS IAS इस तरह से कोचिंग दी जाती है फ्री। यहाँ पर ना सारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सबके नाम लिखे हुए हैं, तो जैसे ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन, ठीक है, तो इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस है इसमें। देख एक बिल्डिंग में ना अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट के लिए एक पूरी बिल्डिंग नहीं है, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब ये अभी नई बनी है ये वाली बिल्डिंग, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं ना, जैसे MCA MBA और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो जो मेन डिपार्टमेंट्स रहेंगे ना वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी डिटेल में फिर वो जो बिल्डिंग्स है ना उसके अंदर बड़े सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। ये मेन गेट है जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। फर्स्ट बिल्डिंग में VC ऑफिस है और साथ ही ऑडिटोरियम भी है। नेक्स्ट बिल्डिंग IC डोल है, उसके अगली जो बिल्डिंग है वो है एडम ब्लॉक। फिर यहाँ से नीचे उतर के मैं आपको अपना डिपार्टमेंट दिखाती हूँ जहाँ से मैंने पढ़ाई की हुई है। हम बंदर मिल सकते हैं रास्ते में थोड़ा इनसे बच के। अपना डिपार्टमेंट बाद में दिखाती हूँ, पहले आपको ये दिखा देती हूँ। ये ऊपर है ना, ये है डिस्पेंसरी यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी और दूसरी है एलोपैथिक भी, आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं। ये पूरा टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं सारे। ये आता है फिर MBA डिपार्टमेंट, पूरी बिल्डिंग। और ये नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये है गांधी भवन एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, वहीं चल के दिखाती हूँ आपको। ये रास्ता जा रहा है डायरेक्ट, अभी स्टार्टिंग में ये जो इस तरह आप देख रहे हो ना लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी ऑफिस हैं और यहाँ पर चीफ वार्डन ऑफिस है, ठीक है, ट्राइबल स्टडीज़ के लिए भी इंस्टीट्यूट यहीं पे है। और इसी बिल्डिंग में ना चीफ वार्डन ऑफिस के जो निचला जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में कैफेटेरिया भी है, जहाँ पर आपको सस्ते उसमें प्राइस में खाना मिल जाता है। इस पूरी बिल्डिंग का नाम है गांधी भवन। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन MTA
और आजकल यहाँ पर दो एक तो डिपार्टमेंट और भी शिफ्ट किए गए हैं। अच्छा हाँ, इसी बिल्डिंग में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी है, बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है वो। यहाँ से जब आए, देखो एक तरफ मुड़े तो वो गांधी भवन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आया, जब हमने इस तरफ टर्न किया ना तो ये आता है यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। पूरी जो बिल्डिंग है ये लॉ डिपार्टमेंट है, ये इसको मिनी यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं लॉ की। बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनके सीट्स बड़ी लिमिटेड से होते हैं ना, 10-15 सीट्स नहीं होती हैं, तो इसमें कम से कम 200-250 के आसपास सीट्स होती हैं। पूरी बिल्डिंग है ये लॉ की, तो LLB LLM यहाँ से कर सकते हैं आप। अच्छा मैं शॉर्टकट से जाकर आपको दिखा देती हूँ, और यहीं से हम ऊपर वापस भी जा सकते थे ना, और देखो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ मेन रोड पे भी जा सकते हैं। ये जो बंद दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स हैं ना, ये यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लग रही हैं आपको, तो यहाँ परांठे खाना मिलता है, मतलब टेस्टी खाना होता है। और फिर यहीं से घूम के आजकल काम चला हुआ है ना यूनिवर्सिटी में, मैं आपको बता रही थी कि कुछ डिपार्टमेंट शिफ्ट हुए हैं, तो ये इनका इनके कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चला हुआ है, वो परे शिफ्ट कर दिए थे गांधी भवन में। यहाँ पर जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट था जो JMC, और साथ में शायद जियोग्राफी का डिपार्टमेंट है, वो शिफ्ट कर दिया। फिर जैसे ही इस तरफ मुड़ते हैं ना तो एक रास्ता आगे को जा रहा है स्ट्रेट, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पर आएगा आर्ट्स ब्लॉक जिसका नाम है अंबेडकर भवन। अब आप देख रहे होंगे ये क्या लगाया है, इस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी में लगा दिया ना वो, कई बार जैसे जानवर आ जाते हैं अंदर तो उनके लिए रोकने के लिए उनको। इस तरफ से भी आ सकते हैं, ये मेन गेट रहेगा यहाँ से। अब ये जो आर्ट्स ब्लॉक है ना इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है आर्ट्स से रिलेटेड जो भी हैं इस पूरी बिल्डिंग में है। बेंचेस हर जगह मिल जाएंगे बैठने के लिए। छोटा सा गार्डन भी है। और देखो अब यहाँ से ना इन सीढ़ियों को देखना कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। देखो ना कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा पेंट किया है। और इन सीढ़ियों से हम जाते हुए आप पहुँच जाएंगे, देखा था ना आपने वो वाला, याद आया कुछ कहाँ पहुँचे? अब हम पहुँच गए वापस गेट के पास। तो पहले मैं ऊपर इस तरफ से गई थी ना, अब घूम के फिर निचली साइड से आ गई, अब वो SBI का ATM भी हमें मिल गया। तो अगर मैं बताऊँ मोटे तौर पे ना यूनिवर्सिटी का पूरा चक्कर काट लिया। अब बीच में बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं कोई 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 मिस कर दिया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मैंने कुछ जो मेन मेन थे मैंने आपको बताया, और मतलब बिल्डिंग्स के बारे में बता दिया ना, मेन बिल्डिंग्स वही हैं, उसके पीछे ऊपर हॉस्टल भी था, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो स्किप हो सकती हैं, लेकिन अगर आप आएंगे घूमने या फिर देखने तो आपको इससे बहुत आइडिया मिल जाएगा, बहुत हेल्प मिल जाएगी। फिर वापस हम आ गए अब चौक पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों।